जाता शर्मा, मेरे चैनल रसोई रतन में आपका स्वागत है। आज मैं गोलगप्पे बनाऊंगी, उसके लिए किसके सामग्री की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताती हूँ। ये 250 ग्राम आटा और 50 ग्राम सूजी और आटा मलने के लिए पानी। चलिए अब मलना स्टार्ट करते हैं। बारीक बारीक सूजी चाहिए और उसमें डाल के हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ना। हमें इसमें कोई तेल की मोयन की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ देंगे और हमें इसका आटा बहुत सख्त मलना है। इसमें बहुत कम पानी लगेगा, हमें इसका आटा बहुत ही सख्त मलना है और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर डाल के मलना है कि कहीं आटा पतला ना हो जाए। देखिए इस तरीके का आटा हमें ये मलना है, इस तरीके से टाइट। अब हम इसको करीब आधा घंटे के लिए प्लास्टिक शीट में कवर करके रखेंगे। इसके लिए हमें देखिए ये प्लास्टिक शीट है, इसमें मैं इसे करीब आधा घंटे के लिए पैक करके रखूँगी। देखिए मैं इसे प्लास्टिक सीट में रैप कर दूँगी। ये आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगी, यदि ना हो तो कोई घर पर पॉलीथीन साफ़ सुथरी हो उसमें भी आप रैप करके रख सकते हैं। अब मैं इसको रख देती हूँ, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब आधा घंटा हो गया, अब मैं इसको प्लास्टिक सीट में से आटे को निकालती हूँ। अब हम इसकी अच्छी तरह से मलाई करेंगे। चलिए मैंने गैस पर अब कढ़ाई रख ली है। अब मैं इसमें एक कटोरी तेल डालूंगी सरसों का। मैं इसको सरसों के तेल में तलूंगी, आप यदि कोई और कुकिंग ऑयल में बनाना चाहें तो आप उसमें तल सकती हैं। चलिए हम अब इस आटे की मलाई करेंगे। जो हमने गोलगप्पे के लिए तेल डाल रखा था कढ़ाई में, उसी को एक एक बूंद डाल के हम इसकी अच्छी तरह से इसकी मलाई करेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। और ये जितना स्मूथ होगा उतने गोलगप्पे अच्छे बनेंगे। और ये हमें करीब 10 मिनट तक करना है। 10 मिनट में आटा गोलगप्पे के लिए सेट हो जाएगा और हम इसे इतना मलेंगे तो ये बिल्कुल मैदा जैसा दिखने लगेगा। और ये हमें तेल वाला प्रोसेस 2-3 बार करना है। और ये किचन काउंटर पे अच्छे से तैयार होता है मल के, क्योंकि इसकी जितनी मलाई होगी उतना ही अच्छा आटा तैयार होगा। देखिए आपको किचन काउंटर चिकना सा भी लग रहा होगा, इसी वजह से लग रहा है क्योंकि मैं बीच बीच में 2-3 बार तेल डालना है। देखिए अभी कितना बढ़िया आटा तैयार हो गया। देखिए अब मैं इसके हम गोलगप्पे बनाएंगे। अब हम इस आटे के छोटे छोटे पेड़े तोड़ेंगे। फिर हम उसमें से इसकी बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, बिल्कुल छोटी छोटी। अब हम इसकी देखो छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी ये साइज की। देखिए अब हमने ये लोइयाँ तोड़ ली हैं, अब हम इन्हें बेलेंगे। और बेल के हम एक गीला कपड़ा मैंने रख रखा है, ये इस पर हम डालते जाएंगे। जब सारे बेल जाएंगे तब हम इन्हें सेकना शुरू करेंगे। चलिए देखिए ये लोइए, अब मैं इसको बेलना शुरू करती हूँ। मैंने बेलन पे थोड़ा तेल लगा लिया है।
देखिए इस तरीके से हम ये बेलेंगे और सारे बेल के रख लेंगे जब हम इन्हें इकट्ठा तलेंगे। बहुत ही क्रिस्पी करारे बनेंगे। लोग कहते हैं कि हमारे फूलते नहीं हैं, पिचक जाते हैं। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बहुत अच्छे गोलगप्पे बनके तैयार होंगे। देखिए अब मैंने सारे गोलगप्पों को गीला कपड़ा करके मैंने बिछा लिया, उस पर डालती आ रही हूँ। इससे करने से क्या होता है कि गोलगप्पे अच्छे बनते हैं, पपड़ी सी नहीं आती इन पे। वैसे इसके लिए पतला बेलन की ज़रूरत होती है, मैं घर वाले बेलन से ही बना रही हूँ। आप जैसे किसी बर्तन की दुकान पर जाएंगे वहाँ आपको पतला बेलन मिल जाएगा यदि आप कहेंगे हमें गोलगप्पे बनाने के लिए लेना है। चलिए देखिए एक स्लॉट के गोलगप्पे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें सेकना शुरू करते हैं। देखिए ये कितने क्रिस्पी सिक्के तैयार हो रहे हैं। और हमें ध्यान रखना है कि हमें तेज आंच पे ही सेकने हैं, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। ये हमें दोनों तरफ से क्रिस्पी कर लेने हैं। देखिए हमारे गोलगप्पे सिक्के तैयार हो गए हैं एक स्लॉट के, और दूसरे स्लॉट के लिए हमने लोइयां बना के तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें भी बेल के तैयार कर लेंगे। देखिए हम दूसरे स्लॉट के भी बेल के तैयार कर रहे हैं। हमें इस तरीके से बेल के इसी तरह गीले कपड़े पे हमें डाल लेने हैं। देखिए कितने कितने बढ़िया गोलगप्पे बन के तैयार हो रहे हैं। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे, क्रिस्पी करारे। स्लॉट के भी बन के तैयार हो गए हैं बेल के। अब हम इन्हें सेकना शुरू करते हैं। चलिए देखिए अब सेकना शुरू करते हैं। अभी हमारे सेकंड स्लॉट के हैं, एक स्लॉट के तो हमने सेक दिए। और ये ध्यान रखना है हमेशा तेज आग पे ही ये हमें तलने हैं। जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें जब तक इनका कलर डार्क ना हो जाए तब तक हमें इनको तलना है, तभी ये क्रिस्पी और करारे बनेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। मैं आपको बाद में सीखने के बाद दिखाऊंगी इसका क्रंच पर कितना अच्छा क्रंच आया है। देखिए हमारे सारे गोलगप्पे बनके तैयार हो गए हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ आपको। देखो कितने बने ना क्रिस्पी करारे, बिल्कुल गोलगप्पे वाले जैसे। आप इसी तरीके से बनाएं, बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए अब हम गोलगप्पे का पानी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 100 ग्राम मूली को 10-15 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। अब मैं इसको छान के इसका पल्प तैयार करूंगी, इसका पानी तैयार करूंगी, पल्प को अलग हटा दूंगी। ये धनिया है, हरा धनिया चटनी के लिए, हरी मिर्ची, सफ़ेद नमक, हींग, काला नमक,
जीरा पाउडर, एक इंच अदरक का टुकड़ा, ये हरे धनिए की हरी मिर्च और अदरक डाल के चटनी बना ली थी, अब मैंने उसको छान लिया है ताकि उसमें रेसे ना रहें और पानी हमारा अच्छा बने। देखिए ये मैंने चटनी का पानी छान के अलग कर लिया है। अब हम गोलगप्पे का पानी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक लीटर पानी लिया है। अब इसमें मैं पहले इमली का पानी डालूंगी। अभी मैं कम डाल रही हूँ, आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है या कम खट्टा पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। और जो मैंने हमने जो चटनी का पानी तैयार किया था छान के, वो चटनी का पानी डालूँगी मैं। अब हम इसमें सफ़ेद नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा तीखा पसंद है या ज़्यादा जैसा भी पसंद है आप, ज़्यादा तीखा खाते हैं या कम। लाल मिर्ची, काला नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं, चुटकी भर हींग, और एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर। अब मैं इसमें थोड़ा पानी मिक्स करूंगी। अब मैंने इसमें पानी मिक्स कर दिया है। अब आपको जैसे कोई भी मसाला कम लगे, जैसे नमक कम लग रहा है या जीरा पाउडर कम लग रहा है, तो वो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। देखिए पानी बनके तैयार हो गया। चलिए हम गोलगप्पे की फिलिंग तैयार करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 5 से 6 आलू, मटर, एक कटोरी मटर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, सफ़ेद नमक और काला नमक। नमक हम स्वादानुसार ऐड करेंगे, जैसा मतलब ज़्यादा नमकीन खाते हैं आप या कम नमकीन खाते हैं, वो आप अपने अनुसार तीखा या कम तीखा कर सकते हैं। चलिए अब हम फिलिंग बनाना तैयार करते हैं। इसके लिए हम ये आलू फोड़ेंगे, ऐसे इनको हम रफली फोड़ लेंगे। अब हम इसमें उबली हुई मटर डालेंगे और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। एक छोटी चम्मच सफ़ेद नमक, एक छोटी चम्मच काला नमक, एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसका जो फिलिंग है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग तीखी या कम तीखी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप मसाले और बढ़ा सकते हैं इसमें, जैसे मिर्ची है या नमक है और ऐड कर सकते हैं। देखिए अभी हमारी फिलिंग तैयार हो गई। चलिए देखिए अब हमारा पानी तैयार है गोलगप्पे का, फिलिंग तैयार है और गोलगप्पे तैयार हैं। अब मैं आपको एक भर के दिखाती हूँ, और मैं आपको एक ही भर के दिखाऊंगी, फिर आप इसी तरीके से भर लीजिए क्योंकि ये सील जाएंगे, मैं और भर के रखती हूँ। तो देखिए अब मैं इसको भर रही हूँ। देखिए मैंने गोलगप्पा भर के दिखा दिया आपको, अब मैं एक ही भर रही हूँ, बाकी आप अपने खाएं और भर भर के अपने इसका स्वाद लें, क्योंकि मैं सारे भरती हूँ तो इसका इसमें सीलन आ जाएगी, ये सील जाएंगे।
यदि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।